एक जमाना था जब लोग फ्लैगशिप फोन्स लेने के लिए अपनी किडनी तक बेच देते थे, लेकिन धीरे धीरे इंसानियत, ईमानदारी और फोन्स के भाव तीनों गिर गए। तो सीन ये है कि अभी मार्केट में ऑलमोस्ट हर बजट के फोन्स अवेलेबल हैं। चाहे आपका बजट 5,000 हो या 50,000, आपको कोई ना कोई अच्छा फोन तो मिल ही जाएगा। हाँ, हो सकता है सस्ते फोन्स में महंगे फोन्स वाली बात ना हो, बट कम कीमत में आप सिर्फ लोगों के कपड़े खरीद सकते हो, ईमानदारी नहीं। तो 20,000 की प्राइस पॉइंट पे मेरे हिसाब से एक फोन डेफिनेटली फ्लैगशिप कहलाने के लायक है, पोको X6। क्या बोला तूने? आई नो मैं पोको की हमेशा ही बुराई करता हूँ, बट अगर बजट सेगमेंट में कोई फ्लैगशिप स्पेक्स दे सकता है ना, तो वो ब्रांड यही है। क्योंकि डिस्प्ले की बात करो तो नॉर्मली इस प्राइस रेंज में आपको 1080p की डिस्प्ले मिलेगी, बट इस फोन में 1.5K की 120Hz वाली 12-bit AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जिसका पीक ब्राइटनेस 1800 nits तक जा सकती है। मतलब इस प्राइस पे ऐसे डिस्प्ले मिलना उतना ही मुश्किल है जितना मेरे चैनल पे मिलियन सब्सक्राइबर्स, पता नहीं कब होंगे। हम करते हैं प्रबंध। इवन परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में भी इस फोन ने सबको बीट किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि 4nm के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज, और इसका अंतुतु स्कोर 600,000 से भी ज्यादा आता है, जो कि किसी भी 20,000 के फोन को इजीली धूल चटा देगा। वैसे भी पोको के फोन्स में परफॉर्मेंस और सलमान खान की मूवी में एक्शन की कोई कमी नहीं होती। रही बात कैमरास की, तो सबको पता है इस प्राइस रेंज में सिर्फ 3 ही कैमरास मिलते हैं, जिसमें से काम के 2 ही होते हैं। मतलब प्राइमरी सेंसर है 64 मेगापिक्सल का, जिसमें OIS भी है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर, जिसको कोई नहीं पूछता। अबे साले, देखो ओवरऑल 20,000 की प्राइस पॉइंट पे ये कंप्लीट पैकेज है, और अगर आपको पोको के ब्रांड से उतनी शिकायत नहीं है तो आंख बंद करके ले लो, जो होगा देखा जाएगा। अब 25,000 एक ऐसा बजट रेंज है जहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक फोन मिलेंगे। कुछ परफॉर्मेंस को टारगेट करते हैं, कुछ कैमरास को, और कुछ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को। बट पोको X6 Pro एक लौता ऐसा फोन है जो कि इस प्राइस रेंज में भी फ्लैगशिप स्पेक्स देने में कमी नहीं करता। वैसे तो अराउंड 80% चीजें इसमें पोको X6 जैसी ही है, चाहे डिस्प्ले की बात करें या कैमरास की, सॉफ्टवेयर की बात करें या बैटरी की, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। बट हम सभी के अंदर एक ना एक स्पेशल चीज जरूर होता है जो हमें बाकी सारे लोगों से अलग बनाता है, इसमें भी है। अब जहाँ पे इस प्राइस रेंज में दूसरे ब्रांड्स मिड रेंज प्रोसेसर देके काम चला रहे हैं, ओको ने इस फोन में डेमेंसिटी 8300 अल्ट्रा का प्रोसेसर दे दिया है, एंड आई डोंट थिंक कि आज तक 25,000 के किसी भी फोन में UFS 4.0 की स्टोरेज दी गई होगी। मतलब अगर आप इस फोन को परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हो तो ले लो भाई, इंतजार करोगे तो करते रह जाओगे। देखो जहाँ पैसे ज्यादा लगाओगे वहाँ पे रिस्क भी ज्यादा होगा, चाहे फोन की बात करो या फिर IPL के मैचेस की। और 30,000 की प्राइस रेंज की खास बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे फोन ऐसे हैं जो कि फ्लैगशिप ही हैं। फॉर एग्जांपल आज भी मैं किसी को S21 FE 5G सजेस्ट कर सकता हूँ, और वो लेकर कोई भी नॉर्मल यूजर आराम से 3-4 साल खुश रहेगा। अगर स्नैपड्रैगन वाला लोगे तो, एक्सिनोस वाला लोगे तो, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि स्नैपड्रैगन और एक्सिनोस के प्रोसेसर में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि नॉर्मल यूजेज में उतना पता नहीं चलेगा और डिफरेंस भी बहुत छोटा सा है, बट इंपॉर्टेंट चीजें कितनी छोटी क्यों ना हो इंपॉर्टेंट होती है, कोई गलत मतलब मत निकालना इसका, समझ रहे हो। जैसे मैंने कुछ दिनों पहले इस फोन के ऊपर गूगल कैमरा की टेस्टिंग भी की थी, जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स काम ही नहीं कर रहे थे। रीजन सिंपल है कि मेरे पास एक्सिनोस वाला वेरिएंट था, और सबको पता है कि गूगल कैमरा स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है। पता नहीं सैमसंग को ये बात कब समझ में आएगी, भाई नहीं चाहिए हमें एक्सिनोस, एक ही वेरिएंट निकालो और पहले तो प्रोसेसर बनाना बंद करो। ए, चुप करे मैनेजर। और क्योंकि ये फोन सैमसंग का है तो आराम से 4-5 साल के अपडेट्स मिलने वाले हैं। मतलब जैसे ये वाला फोन एंड्रॉइड 12 के साथ लॉन्च हुआ था, तो सैमसंग अकॉर्डिंग इसको एंड्रॉइड 16 का भी अपडेट जरूर मिलेगा, और साथ में उसके बाद 1 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी मिलेंगे। अब प्रॉमिस किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही, मुकरोगे तो बहुत बुरा हाल होगा, पोको से पूछ लेना। हाँ, एक चीज सैमसंग की अच्छी है कि इनका फ्लैगशिप किलर भी फ्लैगशिप ही होता है, क्योंकि इस फोन को कैमरास में बीट कर पाना किसी भी 30-40 हज़ार वाले फोन की बस की बात नहीं है। हाँ, iPhone 12 और 13 हो सकता है वीडियोस में इसको बीट कर दें, बट फोटोज में सवाल ही पैदा नहीं होता। बट बैटरी डिपार्टमेंट में इसकी धोती ढीली है, क्योंकि सिर्फ 4500 mAh की बैटरी मिलती है विद 25W की फास्ट चार्जिंग। बार बार फास्ट बोल देता हूँ इसको, मतलब 25W की चार्जिंग तो आजकल 10-15 हज़ार के फोन्स में भी मिलती है, एंड उन फोन्स का बैटरी बैकअप भी इससे बेटर होगा। लेकिन अगर कोई नॉर्मल यूजर है जिसको उतना बैटरी से लेना देना नहीं है, तो उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि डे टू डे यूसेज में एक पैसे की भी शिकायत नहीं आने वाली। साथ में वायरलेस चार्जिंग ने तो सोने पे सुहागा वाला काम किया है, बट इसका इस्तेमाल आप कितना करोगे ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, मैं भी नहीं। अब 40,000 लगा के मिड रेंज फोन तो लोगे नहीं, अगर लोगे तो तुम चूज करना नहीं जानते स्मार्टफोन, तू समझा। और रिसेंटली मुझे पता चला कि सैमसंग गैलेक्सी S22 का प्राइस घट के 40,000 के अंदर आ चुका है। हालांकि नॉर्मली अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ये 50,000 का है, लेकिन अगर हमारे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपको 40,000 का दिखेगा। आप लोगों के फायदे के लिए ही ये लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, सच में मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता, मतलब थोड़ा सा मिलता है। गजब टू बी वाज आदमी। खैर, इस फोन को सजेस्ट करने का मेन रीजन ये है कि ये फोन एक्चुअल में फ्लैगशिप है, क्योंकि अगर आप गूगल पे जाके इसकी लॉन्च प्राइस देखोगे तो ये अराउंड 75,000 का लॉन्च हुआ था। ऊपर से इसकी बिल्ड क्वालिटी तो अंबुजा सीमेंट की दीवार से भी मजबूत है,
टूटेगी नहीं, क्योंकि फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस, बैक में भी गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस, आर्मर एल्युमिनियम फ्रेम और साथ में IP68 की डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन भी मिलती है। मतलब इस फोन को लेकर अगर आप पानी की गहराई में जाओगे तो भले ही आपके सांस फूलने लगे बट इस फोन को कुछ नहीं होगा। और सैमसंग के फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट होता है उनका कैमरा। वैसे तो इस फोन में ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, जहां पे प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का जिसमें OIS भी है, 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस विद OIS अगेन एंड 12 मेगापिक्सल का 120 डिग्रीज वाला अल्ट्रा वाइड लेंस जिससे आप सुपर स्टडी वीडियोस भी शूट कर पाओगे। फ्रंट की साइड में सिर्फ 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है बट इससे भी आप 4K 60fps वाली वीडियो शूट कर सकते हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ साइज मेगापिक्सल डजंट मैटर। तू समझा? मतलब भाई कैमरास के लिए तो आंख बंद करके आप इस फोन को परचेस कर सकते हो बट कमबख्त कमियां इसमें भी है। मतलब इस फोन की बिल्ड क्वालिटी, कैमरा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब कुछ अच्छा है बट बैटरी की बात करते ही सैमसंग अपना मुंह छुपाने लगता है, क्योंकि इस फोन में सिर्फ 3700mAh की बैटरी मिलती है विद सुपर डुपर फास्ट चार्जिंग जो कि 25 वॉट की है। कितनी बेइज्जती करूं भाई, अब तो सुधर जाओ, बताओ S24 में भी दे दिया भाई। 50,000 लगाकर अगर अच्छा फोन नहीं ले पाए तो लानत है तुम पे, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट 99% फोन्स अच्छे ही होते हैं, चाहे शाओमी का लो या फिर रियलमी का, ओप्पो का लो या वीवो का, सबकी स्पेसिफिकेशंस और उनकी परफॉर्मेंस जस्टिफाइड होती है। लेकिन इतने पैसे लगा के चाइनीज फोन्स क्यों? वैसे लेना तो बजट रेंज में भी नहीं चाहिए लेकिन वहां पे तो ऑप्शन नहीं मिलता ना, यहाँ पे तो है। और मेरे हिसाब से अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई फोन लेना है तो आईफोन 13 से अच्छा फोन नहीं मिल सकता, चाहे लुक्स की बात करो या फिर कैमरास की, हार्डवेयर की बात करो या फिर सॉफ्टवेयर की, सब कुछ जबरदस्त है, बिल्कुल मेरी वीडियोस की तरह। पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, दिल से बुरा लगता है। खैर इस फोन की सबसे खास बात तो ये है कि ये आउटडेटेड बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि पीछे से अगर आप आईफोन 13 और 15 को देखोगे तो कैमरा कटआउट, डिजाइन एंड बटन प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है। वैसे भी एप्पल चेंजेस में बिलीव नहीं करते, उनको तो बस पैसे कमाने हैं। साले तू, अब सीन ये है कि आईफोन 13 लॉन्च तो हुआ था 2021 में बट हम सबको पता है कि एप्पल अपने फोन्स का साथ तब तक नहीं छोड़ता जब तक बंदा सिंगल से मिंगल ना हो जाए। मतलब इनको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाइज इतना लंबा सपोर्ट मिलता है जितना मुझे अपनी ऑडियंस से नहीं मिलता। ऊपर से आईफोन्स की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि इनके 10-12 साल पुराने फोन्स भी आपको मार्केट में नजर आ जाएंगे। हालांकि उनकी बैटरी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होगी बट वो फोन चल रहा है ये बड़ी बात नहीं है क्या? बट इस फोन की बैटरी कंडीशन बिल्कुल आजकल के फोन जैसी है। अब एप्पल एक लौती ऐसी कंपनी है जो कि हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर पे भरोसा करती है, क्योंकि इस फोन में सिर्फ 3-400mAh की बैटरी होने के बावजूद ये एंड्रॉइड की किसी भी 4500mAh वाली बैटरी के फोन्स को इजीली बीट कर सकती है। और मेरे iPhone 15 में भी ऑलमोस्ट इतनी बैटरी कैपेसिटी मिलती है, लेकिन बैकअप भाई खत्म ही नहीं कर पाओगे, गेमर्स इग्नोर करें इस बात को। रही बात कैमरास की तो इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसेंटली मैंने iPhone 12 वर्सेस 15 का कंपैरिजन किया था जहां पे मैंने कैमरा सेक्शन में ऑलमोस्ट ना के बराबर डिफरेंस नोटिस किया। ऑब्वियसली iPhone 15 बेटर था बट इतना भी नहीं कि iPhone 12 को कोई खराब बोल दे। मैं खुद खराब नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा एडिटर भी यही वाला फोन यूज करता है और मुझे उससे अभी बहुत सारी वीडियोस एडिट करानी है। अब आया ना लाइन पे। देखो अगर किसी को आईफोन नहीं लेना तो वो सैमसंग का S23 भी ले सकता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से लोगे तो जिंदगी भर खुश रहोगे। बट मेरी मानो तो अगर आपने कभी iOS को एक्सपीरियंस नहीं किया तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्सपीरियंस एंड ये फोन एक्चुअली में वैल्यू फॉर मनी भी है। हाँ BBD सेल का इंतजार कर सकते हो तो करो, क्योंकि उस टाइम पे यही फोन 40,000 का मिलेगा। बस 9 महीने इंतजार करो, उसके बाद कमाल देखना। अरे भाई दिवाली सेल की बात कर रहा हूँ, तुम क्या सोच रहे थे बे? तो मेरी नजर में 20,000 से लेकर 50,000 तक यही सारे फोन्स वैल्यू फॉर मनी है और फ्लैगशिप भी हैं। और 50,000 से मैं ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि घर भी चलाना है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बट अगर आप 50,000 से ऊपर जा सकते हो तो एक सलाह दूंगा, चाइनीज फोन से थोड़ा दूर ही रहना, ज्यादा दिन साथ नहीं देंगे वो। हाँ इनिशियली उनके स्पेक्स एंड फीचर्स सुनकर आपका मन ललचाने लगेगा बट अगर आप इतने सारे पैसे लगा ही रहे हो तो उसका रिटर्न भी आपको मिलना चाहिए ना, जो कि कुछ गिने चुने ब्रांड्स ही दे पाते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि मुझे नाम बताने की जरूरत भी है, समझदार तो आप हो ही। तुम्हें कैसे पता चला? अगर आप भी किसी फोन को लेकर डाउट में हो तो कमेंट करो और लोगों को बताओ कि आप कितने दुखी हो। और हाँ सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दोबारा नहीं मिलूंगा, सोच लेना। लेकिन उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना, मैंने टेक न्यूज की एक नई सीरीज शुरू की है, नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पोको की सच्चाई के बारे में पता चलेगा। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्ताला वीस्ता।